तो भाई लोग, मार्वल मूवीज की सक्सेस के बाद जब थॉर मूवी बनाने की बारी आई तो इसके लिए स्टूडियो किसी फेमस एक्टर को कास्ट करना चाहता था। तब उन लोगों ने डैनियल क्रैग को अप्रोच किया, बट उस समय डैनियल क्रैग पहले से ही मल्टीपल मूवीज के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे, लाइक जेम्स बॉन्ड। तो ऑडिशन देने के बाद क्रिस हेम्सवर्थ को फाइनली इस रोल के लिए कास्ट किया गया, और अब तो भाई किसी और को सोचना भी मुश्किल है।